अस्सलाम वालेकुम, एआरवाई स्पोर्ट्स गपशप के साथ मैं हूं मुजम्मिल आसिफ और आज आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिकेट अब बायो सिक्योर बबल में किस तरीके से होगा, क्या माहौल होगा ग्राउंड में। अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, इसके बाद पाकिस्तान का इंग्लैंड का दौरा शेड्यूल हो। इस पर बात करने के लिए हमने आज जिस शख्स को बुलाया है, इनसे बेहतर इस बारे में कोई डिस्कशन या कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है और इनके लिए मैं वेटरन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म खासकर क्रिकेट पर ये लिखते हैं, इस पर बात करते हैं और उनकी सर्विसेज क्रिकेट और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे बहुत है। तो वेलकम करते हैं अपने शो में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब को। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। भाई साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी आप बताएं। बिल्कुल माशाल्लाह फिट फाट, अल्लाह का शुक्र। जैसे मैंने इंट्रो करवाया कि आज का जो हमारा शो है बेसिकली वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो अपकमिंग टूर है उसके हवाले से, और बहुत सारे लोगों के सवाल है कि ये टूर किस तरीके से होगा, क्या होगा, और ये जो बायो सिक्योर बबल का एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज है, इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज है। तो स्टार्ट करेंगे, पीसीबी ने प्लेयर्स के टेस्ट किए, 10 प्लेयर्स के कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ गए, तो एक गहमा गहमी बनी हुई है, एक सर्कल बना हुआ है, क्या है सीरीज होगी नहीं होगी, इन सब मामलों को आप किस तरीके से देख रहा था? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। कल तकरीबन इसी वक्त पीसीबी की तरफ से मैसेज आया कि वसीम खान वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि परसों 3 लोग पॉजिटिव हुए थे, कल उन्होंने 7 मजीद का अनाउंसमेंट किया। लेकिन आज उस कहानी को अब से चंद घंटे पहले, गालिबन 11 बजे का टाइम था जब मोहम्मद हफीज का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट अब नेगेटिव आ गया, मेरी फैमिली का भी नेगेटिव आ गया। तो अब ये एक नई डिबेट यहाँ पर चल पड़ी है। हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं उसमें भी था, जो डॉक्टर्स थे वो भी कह रहे थे कि ये 70% तो टेस्ट जो है ये ऑथेंटिक होता है। लेकिन मोहम्मद हफीज का जो पहला टेस्ट हुआ था, बल्कि पीसीबी ने जिन 41-42 लोगों के टेस्ट करवाए थे वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उसकी लेबोरेटरी से करवाया। अब हफीज ने एक प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा के उन्होंने कहा कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो देखिए यहाँ क्रिकेट बोर्ड के एंड पर भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है कि कल वो थोड़ा सा जल्दी कर गए। 25 को जो दूसरे टेस्ट होने थे, उन दोनों टेस्टों की जब रिपोर्ट को कंपाइल कर लेते उसके बाद क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर देता कि उस दौरान ठीक है जो लोग पॉजिटिव आ गए थे उनको क्वारंटीन में भेज देते। लेकिन कल क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह अनाउंस किया और आज मोहम्मद हफीज ने जिस तरह रिएक्ट किया, तो मेरे ख्याल में एक चूंकि ये इंटरनेशनल स्टोरी थी, पाकिस्तान क्रिकेट का तो मजाक उड़ाए बिल्कुल। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक में लास्ट बल्कि 10-11 दिन पहले का एक वाकया भी आपके देखने वालों से शेयर करूं। बिल्कुल। पीसीबी की एक वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मोहम्मद हफीज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे थे। तो मोहम्मद हफीज बार बार खांस रहे थे, पानी पी रहे थे। तो हमारे एक दोस्त हैं शोएब जट, उन्होंने कहा कि हफीज भाई खैरियत है, आप बहुत ज्यादा खांस रहे हैं, पानी पी रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे कोई खांसी का कोई मसला है ये वो। लेकिन अब पता नहीं कि इसमें हकायक क्या है, कि हम मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की एक हेल्थ की फैसिलिटीज है उन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। जा रहे हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड की हेल्थ फैसिलिटीज को कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड शायद, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा जल्दी कर गया। 25 को जो टेस्ट होने थे वो टेस्ट भी कंपाइल कर लेता, दोनों रिपोर्टों के बाद एक जो क्लियर कट एक नतीजा आता वो फिर अनाउंस कर देता। लेकिन हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें कुछ मजबूरी हो, लेकिन बहरहाल अब पिछले 4-5 घंटे से तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ रहा है और नए कॉमेंट्स भी हो रहे हैं। अच्छा माजिद साहब, इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसा आपने अभी कहा कि मोहम्मद हफीज ने अभी सुबह के वक्त अपना पॉजिटिव कहा कि मैं नेगेटिव आ गया हूं, तो पीसीबी ने कल जब वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो कहा कि प्लेयर्स को एक स्ट्रिक्ट एसओपीज भी प्रोवाइड कर दी गई हैं और कम्युनिकेशन में हम साथ साथ
तो हफीज ने ऐसे कैसे ट्वीट कर दिया पब्लिकली आके, वो पीसीबी को भी बता सकते थे लेकिन उन्होंने पब्लिकली आके उसको बेहतर समझा, वो ट्वीट किया और उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। मुजम्मिल, अगर हफीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, तो जब उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ, उन्होंने उस एक्शन पर भी आईसीसी का जो लॉ था उसको चैलेंज कर दिया, बल्कि जहां इंटरव्यू दिया उन्होंने एक गैर मुल्की नशियाती इदारे को, वो इंटरव्यू चला, आईसीसी ने मोहम्मद हफीज से जवाब तलबी की, तो मोहम्मद हफीज ने डिनाई कर दिया, उसने कहा नहीं मैंने ये बात नहीं की, हालांकि वो चीज रिकॉर्ड पे थी। पिछले दिनों ईसीबी ने एक और उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, वहां भी हफीज ने कुछ कमेंट किया था। जब वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए और काफी अरसे बाहर थे, उस वक्त भी वो पीसीबी पे क्रिटिसाइज करते रहे। तो हफीज का इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। हफीज के पास जो एक वैलिड रीजन है कि भाई मैं तो आपका सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल में जब आपने टूर पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आपका नाम आ गया टीम में, आपने 2.5-3 महीने टीम के साथ रहना था, ठीक है आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, बजाय ये कि आप सोशल मीडिया पे जाके उसको बहुत ज्यादा हाइप देते, पीसीबी को जाके बताते कि जी कल आपका जो टेस्ट आया था वो पॉजिटिव था, मैंने ये टेस्ट प्राइवेटली करवाया, मैं और मेरी फैमिली सब नेगेटिव है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स के मामले पे, कल मैंने वसीम खान से सवाल भी किया, मैंने कहा जी हमने ये सुना कि केपीके के जितने प्लेयर थे वो रेगुलर पिशावर में क्रिकेट खेल रहे थे, रमजान क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें शेयर की, बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत सारी चीजें शेयर की, कुछ लोगों ने लाहौर में क्रिकेट खेली, वहां पीसीबी ने उनको वॉर्न किया, हफीज की लास्ट वीक और कुछ तस्वीर आई थी जिसमें वो लाहौर के गोल्फ कोर्स में अपने बेटे के साथ गोल्फ खेल रहे थे। तो क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी कहाँ है? क्रिकेट बोर्ड जो कहता है कि हमारा इतना बड़ा इदारा है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी क्रिकेट बोर्ड की जो ग्रिप है ना वो खास तौर पर बड़े प्लेयरों के मामले में। मूव ऑन करेंगे भाई साहब, थोड़ा सा स्क्वाड पर नजर डालें तो काफी कमबैक भी हुए हैं, जिसमें एक प्रोमिनेंट कमबैक सोहेल खान का है, सरफराज अहमद का कमबैक है, तो स्क्वाड को ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? अगर ये सीरीज होती है तो क्या ये स्क्वाड कैपेबल है टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को बीट करने के लिए? देखें, ये आखिरी वाली जो आपने बात की ना, इंग्लैंड को बीट करने के लिए कैपेबल है, ये जरा सा टफ सवाल है, इसलिए कि इंग्लैंड अपनी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टफ टाइम देता है। उसने आपको पता है कि एशेज में ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बड़ी मार दी हुई अपने मुल्क में, तो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना और अब इस डिफरेंट सिनेरियो में एक मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में ओवरऑल बेहतर टीमें सिवाय एक दो डिबेटेबल फैसले हैं, आपने सोहेल खान का जिक्र किया, मेरा ये ख्याल था कि अगर आपने मौका देना था तो ताबिश खान को भी मौका दे देते, ताबिश खान तो 500 फर्स्ट क्लास विकेट हैं, बेचारे को एटलीस्ट जख्मों पे मरहम तो रख लेते ना, चाहे 30वां प्लेयर ले जाते। इमरान जूनियर, इमरान खान जूनियर आप किस परफॉर्मेंस पे बार बार टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं? फिर जो डोमेस्टिक के आपके टॉप परफॉर्मर है इमरान बट एक ओपनर है, इमरान बट को आपने रिजर्व में रखा हुआ है, शोएब मलिक जब एक महीने लेट टीम को ज्वाइन कर रहे हैं तो इमरान बट को एक महीने के लिए तो आप टीम के साथ रखे ना, जाके वो तजर्बा हासिल करे। फिर नोमान अली एक हैदराबाद के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप किया था। मेरे ख्याल में मैं काशी भट्टी के खिलाफ नहीं हूँ, काशी भट्टी को भी आप रखे, लेकिन जब आप बार बार उस्मान कादिर को ट्रेवल करवाते रहे तो मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक के टॉप विकेट टेकर है और टॉप बैट्समैन है दोनों को मौका मिलना चाहिए। फिर जब मोहम्मद रिजवान कल आउट हो गए, आज काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कामरान अकमल ने, तो मेरे ख्याल में कामरान अकमल को भी मौका मिलना चाहिए, एटलीस्ट टीम के साथ तो ट्रेवल करें। देखें, जब हम कहते हैं कि हमने बड़ा जबरदस्त डोमेस्टिक सिस्टम बना दिया, हमारे सिस्टम में जो है जो लूप होल्स पास्ट में थे वो हमने खत्म कर दिए, लेकिन जब हम अपने डोमेस्टिक सीजन को, डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम फिर किसी पर तनकीद कैसे कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट जिस तरह अभी हमने बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज खेली, नुमान अली और इमरान बट को चले आप खिलाते नहीं, ड्रेसिंग रूम तो पाकिस्तान के शेयर करवा देते, एक बच्चे का जरा हौसला बढ़ जाता है, लड़कों के साथ अगर
ड्रेसिंग रूम में या टीम होटल में 8-10 दिन गुजार दे तो उसको लगता है कि यार चले जो मेहनत की मैंने उसका मुझे सिला मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह बास चीजों को इग्नोर कर देते फिर ज्यादा उस लड़के की परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि समी असलम को बार बार क्यों इग्नोर किया जाता है। लेकिन ओवरऑल देखें जो टीम सिलेक्ट हुई है पाकिस्तान के यही बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन 29 प्लेयरों में अगर ताबिश खान, समी असलम, इमरान भट्ट को आपने रिजर्व में रखा, नुमान अली, इनको एटलीस्ट रिजर्व में डाल देते तो थोड़ा सा उनके हौसला बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें हम साला साल से मुख्तलिफ ज्यादतियों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें फवाद आलम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, रिसेंट टीम का भी मेंबर है। मुझे लग रहा है आप फवाद आलम को मौका मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल बेहतर टीम है, लेकिन कैसा परफॉर्म करेगी ये वक्त बताएगा। एक और प्लेयर का आपने नाम लिया था वो है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद अगर आप स्टैटिस्टिक्स जाके देखें इतनी बुरी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसका। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें हर 3 टेस्ट मैच के बाद या उसने सेंचुरी बनाई है या 50 रन बनाए। विकेट कीपिंग में तो सरफराज अहमद का कोई सानी नहीं। मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को निकाल कर या तो क्रिकेट बोर्ड के बड़े किसी को खुश करना चाहते थे। मुझे नहीं समझ में आ रही कि आज की बात नहीं कर रहा, जब सरफराज को 6 महीने पहले तीनों फॉर्मेट से हटाया, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटाया, तो मेरे ख्याल में उस वक्त थोड़ा सा सरफराज के साथ नाइंसाफी की गई। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, लेकिन इसी को कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, अगर पाकिस्तान क्रिकेट फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज ना हो तो हम और आप बैठ के क्या डिस्कस करें। बिल्कुल मालिक साहब, मैं उसी पे आने वाला था। सरफराज अहमद को जो सेकंड ऑप्शन रखा गया, अभी तो खैर रिजवान कोरोना पॉजिटिव हो गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी बहुत ज्यादा टाइम है तो मोस्ट लाइकली कि रिजवान ज्वाइन कर लेंगे दोबारा टीम को। लेकिन सरफराज को जब सेकंड ऑप्शन रखा गया तो काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी क्रिटिसाइज किया। आप क्या समझते हैं कि उसके मतलब कॉन्फिडेंस पे कितना फर्क पड़ा होगा जब उसे मिसबाह उलम ने कहा कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है? देखिए वक्ती तौर पे तो कॉन्फिडेंस बंदे का शैटर होता है, किसी को भी कोई बुरी खबर मिले तो झटका तो उसको लगता है। लेकिन ज़ाहिर है 6 महीने में उसने अपने फिटनेस पे काम किया, अपनी प्रैक्टिस ज्यादा की, अपने आप को ज्यादा उसने जेल किया। क्रिकेटर्स के बारे में यही है कि क्रिकेटर्स जो है ना ये मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर जो एक नॉर्मल आदमी जो बात कर रहा होता है ये उसे 4 कदम आगे चल के बात कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर सरफराज को सरवाइव करना है अब इस क्रिकेट में, और ये क्रिकेट में पहली बार नहीं हुआ, माजी में हमने देखा राशिद लतीफ और मोइन खान के दरमियान बड़ा जबरदस्त कंपटीशन रहा है, एक बार एक बंदा टीम में आता था 2-3 साल वो टीम से ड्रॉप नहीं होता था। वसीम बारी जब विकेट कीपर थे वो मेरे ख्याल में 21-22 साल पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेलते रहे, बीच में एक आध मैच के लिए कभी तस्नीम आरिफ आ गए, कभी मसूद इकबाल आ गए, कभी कोई आ गया, लेकिन वसीम बारी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो सरफराज अहमद को झटका लगा, लेकिन कल अब ये हमारी नेक ख्वाहिशात मोहम्मद रिजवान के साथ है कि अल्लाह ताला उसको जल्दी सही करे, लेकिन मेरा सरफराज अहमद को बूस्ट तो मिला। लेकिन अगर मैं प्लेयर की दिल की बात बताऊं ना, इस 29 के 29 प्लेयर में मेरा ख्याल में अक्सरियत चाह रही होगी कि इंग्लैंड में जिसकी जान बच जाए वही ठीक होगा, अदरवाइज ग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर जब उतरेंगे ना तो हो सकता है कि वक्त से पहले एक्सपोज हो जाए। सही सही। अच्छा माय सर, ये भी एक और चीज भी ऐड करेंगे इसमें कि बड़ा टूर है और काफी टाइम वहां पर गुजारना है, और अभी वसीम खान के अकॉर्डिंग के 23 खिलाड़ी अभी ले जाएंगे जिसमें इमरान भट्ट भी आ जाएंगे जो रिजर्व प्लेयर है, अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं अपना तो फ्रस्ट्रेटिंग होगा प्लेयर्स के लिए कहीं ना कहीं। और एक और चीज के मलिक यही वजह है कि शायद पुल आउट हो गए फैमिली रीजंस बता के ताकि इतना लंबा अरसा उन्हें इंग्लैंड में रहना ना पड़े। देखिए दोनों चीजें हैं, लेकिन ये सरकमस्टेंसेस इतने आसान नहीं है। अगर आपको भी एयर कंडीशन कमरे में बिठा दिया जाए, आपको अच्छे से अच्छा खाना दे दिया जाए और यहाँ इंटरनेट की भी सहूलत हो, टेलीविजन भी आप देख रहे हो, ग्राउंड में जाके 5-6 घंटे क्रिकेट खेले, तो ये माहौल जो है ना क्रिकेटर्स इन माहौल के यूज टू नहीं है। मैंने तो दुनिया में बहुत क्रिकेट कवर की, क्रिकेटर्स शाम में अक्सर निकल जाते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ, कहीं खाना खाने चले गए, किसी के घर चले गए, जिस दिन ऑफ डे है फैमिली के साथ निकल गए। अब फैमिली से दूर
मेरे ख्याल में ये माहौल नया है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इंकरेजिंग पॉइंट मुझे नजर आता है कि जो लोग कोई उल्टी सीधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं है कि वो क्रिकेट पे ही फोकस करें। सही। क्रिकेट खेलें, वापस आएं, चंद घंटे आराम करें, टीवी देखें, सोशल मीडिया पे आप चैट कर लें, अपने फैमिली वालों से बात कर लें, फिर क्रिकेट के बारे में सोचें कि कल ग्राउंड में जाके क्या करना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है इन ढाई तीन महीनों में, है मुश्किल हालात, लेकिन देखते हैं कि इन हालात में किस तरह पाकिस्तान टीम गुजरती है। लेकिन इंग्लैंड के पास थोड़ा सा एडवांटेज है कि इंग्लैंड हमसे खेलने से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो एक सीरीज खेलेगा तो काफी हद तक उनके प्लेयर्स जो है इस माहौल से यूज्ड टू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मुश्किल टास्क है, लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड पाकिस्तान का रिकॉर्ड बुरा नहीं है। मैं तो 2016 में भी था, पाकिस्तान ने 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर की। 2018 में सरफराज कैप्टन थे, फिर इंग्लैंड ने लीड्स टेस्ट जीता, फिर 1-1 से सीरीज बराबर हुई। 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2019 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के 6-7 मैचेस जीत लिए। तो इंग्लैंड में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को 2 ग्राउंड तक महदूद रहना है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल टास्क है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, ये प्लेयर्स के लिए तो हम बार बार कह रहे हैं, हमने बहुत बड़ा कोचिंग स्टाफ रखा है जिसमें मिसबाउल हक हैं, यूनुस खान हैं, वकार यूनुस हैं, मुश्ताक अहमद हैं, इन पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ये किस तरह डिलीवर करते हैं। तो इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो होगा, पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्म करती है, हम सबकी नजरें इसी पे लगी हुई हैं। अच्छा, आपने टीम मैनेजमेंट का पॉइंट चेक दिया, वो भी मुझे बात करनी थी, उसी पे चले बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट लेके जा रहा है और कहा ये जा रहा है कि वो वहां पर बहुत सारा वक्त गुजारना है, तो बड़ी टीम मैनेजमेंट कारगर साबित होगी पाकिस्तान टीम के लिए। तो यूनुस खान की बात की जाए, मिसबाह उल हक की बात की जाए, वकार यूनुस की बात की जाए, तो बाजार ये लगता है कि इन सबके माइंडसेट डिफरेंट है, तो इतना अरसा वहां पर गुजारना और फिर प्लेयर्स को भी मोटिवेट करना, खुद को भी उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, कितना मुश्किल होगा और क्या ये सब आपस में मीट कर पाएंगे ज्यादा देर तक? अच्छा मुजम्मिल, आप दो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ पीपल हैं, जिस तरह 14 सपोर्ट स्टाफ है, 14 का, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड 18-20 का सपोर्ट स्टाफ लेके चलते हैं, हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि कितने बड़े नाम हमने कोचिंग स्टाफ में रखे हैं। मिसबाह उल हक 75 टेस्ट मैच खेले हुए, यूनुस खान तकरीबन कोई 300 इंटरनेशनल मैचेस का तजर्बा, इसी तरह वकार यूनुस इतना बड़ा क्रिकेट का नाम, मुश्ताक अहमद बहुत बड़े लेग स्पिनर, बहुत बड़े कोच रहे हैं। तो इतने बड़े कोचेस को हमने टीम के साथ रखा है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अब देखना है कि क्या बड़ा खिलाड़ी अच्छा कोच भी साबित हो सकता है। दुनिया में इसकी कम कम मिसालें हैं मिसालें, जैसे जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के जो हेड कोच हैं, वो भी अपने दौर के बड़े प्लेयर थे, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बड़े फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं वो अब कोचिंग असाइनमेंट पर आए। तो देखना है कि क्या ये कोचेस बनने के बाद ये प्लेयर्स डिलीवर कर सकते हैं, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। देखें, हमारे लोगों ने यूनुस खान को बैटिंग कोच बनते ही वाह वाह शुरू कर दी, क्या जबरदस्त डिसीजन लिया है। और आप देखिएगा, खुदा ना खासा पाकिस्तान की बैटिंग अगर क्रम्बल कर गई यहाँ इंग्लैंड में, तो फिर यही लोग जो तारीफ कर रहे हैं ये यूनुस खान को टारगेट करेंगे। हालांकि एक सीरीज या चंद महीने किसी भी कोच के लिए नाकाफी होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, एक वो मिसाल है कि पल में तोला पल में माशा, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं एज ए नेशन, पाकिस्तानी कौम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा तहमुल से काम लेना पड़ेगा, यकीनी तौर पर इनकी डेडिकेशन से, इनकी सलाहियत से इनकार नहीं है, लेकिन इन कोचेस को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन लड़कों के साथ एडजस्ट करने में। लेकिन फिर एक दूसरा मसला भी है कि आपके वालदैन आपको कितने भी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दें आपके वालिद, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो वालदैन कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ किसी भी ने तो आपको बड़ा प्लेयर दे दिया, बड़ा कोच दे दिया, क्या जो टीम के प्लेयर्स हैं वो सीखना चाहते हैं, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है।
अच्छा मान सर, एक और चीज में ऐड कीजिएगा कि यूनिस खान और जो जो भी हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, ये हमेशा सीनियर टीम की कोचिंग को क्यों इंतखाब करते हैं? यूनिस खान का भी रिसेंटली उन्होंने जूनियर लेवल पे जब हुआ तो कुछ क्लॉजेस पे उनका पीसीबी से इख्तलाफात हो गया और उन्होंने उसकी मना कर दिया, लेकिन जब सीनियर टीम की बात आती है तो सीनियर टीम के लिए सब राजी हो जाते हैं, फिर तमाम क्लॉजेस भी मान लेते हैं और फिर सारी चीजें प्रॉपर है। तो जूनियर साइड पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स क्यों नहीं आते हैं? देखें, जो लाइमलाइट, मौज मस्ती और जो मीडिया अट्रैक्शन, मीडिया टेंशन जितनी सीनियर टीम में, जूनियर टीम में नहीं है। जूनियर टीम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन यूनुस खान मेहनत से भागने वाला इंसान नहीं है। यूनुस खान तो राजी था कोच बनने के लिए, लेकिन चंद लाख रुपए का, पैसों का कुछ मसला था जिसमें यूनुस खान के साथ मामला बने नहीं पीसीबी के। तो मेरे ख्याल में अभी यूनुस खान को जो असाइनमेंट मिला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज है, लेकिन मसला वही है जो असल आपका सवाल है कि ये जो चकाचौंध सीनियर टीम में है ना, जूनियर टीम में ना मीडिया इतना इसको फॉलो कर रहा होता है और ना उतनी मौज मस्तियां होती हैं, तो इसलिए हर आदमी सीनियर टीम को फोकस करता है। सही। अच्छा अगर स्क्वाड पे एक बार फिर आयम, तो एक अभी रिसेंटली जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मिसबाह उलक ने एक वहाब रियाज के मुतालिक बात की कि उनसे बात की गई है और वो टेस्ट खेलने के लिए राजी है। तो एक ऑब्जर्वेशन भी है आम लोगों की कि पीसीबी या टीम मैनेजमेंट जो होती है वो उन प्लेयर्स को क्यों फोर्स करती है, क्यों नए प्लेयर्स को नहीं बनाया जाता है एज अ बैकअप, ताकि अगर वो रिटायर हो जाए तो फिर दोबारा उनकी तरफ ना जाना। अभी मिसबाह उलक ने कहा कि वहाब रियाज से बात हुई, अगर टेस्ट में जरूरत पड़ी तो बैकअप क्यों नहीं तैयार किया जाता पाकिस्तान टीम में? देखिए मुजम्मिल, हमारे पास बैकअप में तो अच्छे खासे लड़के मौजूद हैं। इस करंट टीम को देख लें, इसमें गालिबन 8 फास्ट बॉलर मौजूद हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वहाब रियाज का नंबर भी आएगा, लेकिन ये भी एक अजीबोगरीब चीज है कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम थी जिसने अभी साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेला, उसमें एक दो अच्छे फास्ट बॉलर थे। अगर ये चाहते तो एक किसी फास्ट बॉलर को ले जाकर ग्रूम कर देते, लेकिन मसला ये है कि अभी ये जो करंट सीरीज है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में हो रही है, क्योंकि इसमें जो 29 प्लेयर सिलेक्ट हुए वो 3 टेस्ट के लिए भी अवेलेबल हैं, 3 T20 के लिए भी अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो अगर होगा तो वहाब रियाज खेलेंगे, अदरवाइज वहाब रियाज टेस्ट मैच के लिए कंसिडर होंगे नहीं। देखें, वहाब रियाज को अगर खिला भी दिया जाता है तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या वहाब रियाज की जो बॉडी है वो 5 डे क्रिकेट के लिए, 5 डे क्रिकेट को एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। ऐसा ना हो कि 7-8 ओवर करवाने के बाद वो अनफिट हो जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो बाज औकात आपको दिन में 20-20, 25-25 ओवर करवाना पड़ते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ चाहे वहाब रियाज हो चाहे मोहम्मद आमिर हो, हमारे यहाँ ये जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोनों को ना देने का फैसला हुआ है ना, ये एक अच्छा फैसला किया है क्रिकेट बोर्ड ने। क्योंकि हमारे क्रिकेट में एक चीज हमने हमेशा देखी है, बड़े प्लेयर्स हमेशा से अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं और पीसीबी बाज जगहों पर हमें वीक नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आमिर और वहाब रियाज के केस में पीसीबी हमें ड्राइविंग सीट पर नजर आई है। ऐसा ही बड़े इदारों में होना चाहिए जो दुनिया भर में होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कई बार हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मीडिया से भी डर रहे होते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, लेकिन अच्छी चीज यही है कि इंस्टीट्यूशन को तो मजबूत होना चाहिए, इंडिविजुअल को कभी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर खिलाड़ी मजबूत हो गए, क्रिकेट बोर्ड वीक हो गया तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, तो सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। अच्छा माय साहब, इंग्लैंड टूर हम जा रहे हैं तो काफी क्रिटिसिज्म इस पर भी हो रही है कि हमने रिटर्न में उनसे कुछ नहीं लिया। मानी साहब के स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2022 में इंग्लैंड में टूर करना है, तो क्या लगता है इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी होगी या वही हमेशा की तरह आने बाने करेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि 2022 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी। अभी सही। आप देखें ना, एमसीसी की टीम पाकिस्तान होकर गई है। हमारा मीडिया दरअसल बहुत ज्यादा बाज मामला पर हार्श होता है, कई बार वो सोचता है कि हर सीक्रेट चीज जो है वो शेयर की जाए। आप देखें ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मीडिया से हुकूमत शेयर नहीं करती। बाज दफा रिपोर्टर्स अंदर की कहानी व्हाइट हाउस से भी निकाल के ले आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कहानी
कहानियां बाहर आ जाती हैं, हो सकता है कि ये भी डील अगर हुई है तो कुछ अरसे बाद कहानी आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पीसीबी और ईसीबी मीडिया से वो चीज शेयर करें। फिर देखें एथिकली तो आज जिस स्टेज पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड खड़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुश्किल वक्त में जितना आज इंग्लैंड को सहारा देने की कोशिश की है, 10 प्लेयर और एक ऑफिशियल पॉजिटिव आया है, उसके बावजूद हमारी टीम जा रही है इंग्लैंड। तो मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड ने 2022 में पाकिस्तान आने से इनकार किया तो ये तो फिर बेशर्मी की इंतहा होगी, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि इंग्लैंड पाकिस्तान ना आए। बिल्कुल देखा हमारे साहब, काम टाइम थोड़ा सा कम रह गया तो मेरे पास एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहा है, कुछ नाम है, रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ सेगमेंट है, तो मैं कुछ नाम लूंगा क्रिकेटर्स के, उनके बारे में आप कुछ अगर एक लफ्ज या एक लाइन कहना चाहें। तो पहला नाम मेरे पास इमरान खान। इमरान खान एक अच्छा क्रिकेटर। इमरान खान एज ए क्रिकेटर या एज ए प्राइम मिनिस्टर आपके ओपिनियन? मेरी नजर में एज ए क्रिकेटर, क्योंकि मैंने इमरान को जितना बड़ा क्रिकेट में उसका रूप दबदबा देखा, आज मुझे जो इमरान खान सियासत में नजर आ रहा है, अफसोस भी होता है कि इमरान खान का यहाँ मकाम नहीं था, वो ऑलरेडी इतने बड़े मकाम पे था। शायद हमारी सियासत में और बहुत सारे इमरान खान मौजूद हैं, इमरान खान का जो मकाम था उसी मकाम को कंटिन्यू करना चाहिए। सही। मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक एक अच्छा ऑपरेटर है, उसको पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, और मेरे ख्याल में यही वजह है आप देखें कि कभी वो पीएसएल में भी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, कभी क्रिकेट बोर्ड पे भी होते हैं, लेकिन मिसबाहुल हक जो है, मैं सबसे बढ़कर मिसबाहुल हक को एक अच्छा इंसान मानता हूँ, कि उसके बारे में आप कितनी भी क्रिटिसिज्म कर देना, जब भी आप उससे मिलेंगे तो वो आपसे बहुत खंदा पेशानी से मिलेगा, तो मिसबाहुल हक इंसान बहुत बड़ा है। सही। तो इस पर भी एक, अभी तो टू अर्ली हो जाएगा, लेकिन मिसबाहुल हक एज अ कोच या मिसबाहुल हक एज अ क्रिकेटर? मिसबाहुल हक एज अ क्रिकेटर। सही। मिकी आर्थर। मिकी आर्थर वाज अ गुड कोच, मेरे ख्याल हमने एक अच्छा कोच लूज कर दिया। सही। पीसीबी के बारे में कुछ कहना चाहे एज ए यूनिट? पीसीबी एक ऐसी कसौटी है जो किसी की आज तक समझ में नहीं आई, लोग कहीं चल रहे होते हैं, पीसीबी एक अपनी सिम का तायुन खुद कर रहा होता है, तो पीसीबी का वो जो रेड जोन है ना, उस रेड जोन में जो दाखिल हो जाता है वो फिर समझता है कि पीसीबी से बाहर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब बेवकूफ हैं, वो फिर किसी को खातिर में नहीं लाता, तो पीसीबी वो कसौटी है जो आज तक किसी को समझ नहीं आती। सही। वसीम खान। वसीम खान मेरे ख्याल में वसीम खान को मीडिया में रहने का फन आता है। सही। एहसान मानी साहब। एहसान मानी इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह बाद दफा उनके बारे में लोग हार्श कमेंट कर रहे होते हैं ना, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी उनकी खराबियां नहीं है जितने हम लोग उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं। जितना मैंने एहसान मानी साहब को इंडिया में देखा, मैंने इंग्लैंड में देखा, ऑस्ट्रेलिया में, एहसान मानी साहब बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितना मैंने इमरान खान की बात की तो एहसान मानी साहब भी गलत जगह आ गए, यहाँ पर उनको दो मिनट में मीडिया जो है वो जमीन पर गिरा देता है, लेकिन ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लास्ट नेम है फवाद आलम। अनलकी। सही। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया, हम होप करते हैं कि इंग्लैंड टूर भी अच्छे से जाए, और आपके लिए भी बेस्ट विशेस है हमारी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। अल्लाह हाफिज।